आप सभी ने कभी ना कभी ट्रेन का सफर किया होगा और सफर करते समय रेलवे स्टेशन भी गए होंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रेलवे स्टेशन पर बोर्ड लगा होता है जिस पर रेलवे स्टेशन का नाम और समुद्र तल से ऊंचाई MSL जैसे कि 200 मीटर 310 मीटर आदि लिखा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में रेलवे स्टेशन बोर्ड पर क्यों लिखा होता है? इसका क्या मतलब है? क्या ये यात्रियों की जानकारी के लिए लिखा होता है या फिर कोई और वजह है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर थोड़ा थोड़ा कर्व आता है। दुनिया को पृथ्वी की सतह से नापने के लिए एक ऐसे पॉइंट की जरूरत थी जो हमेशा एक समान रहे, और समुद्र से बेहतर ऐसा कुछ नहीं था। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों को दुनिया की एक समान ऊंचाई नापने के लिए एक ऐसे पॉइंट की जरूरत थी जो एक समान रहे। इसके लिए समुद्र सबसे अच्छा विकल्प है और MSL की मदद से ऊंचाई की गणना करना बेहद सहज है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि समुद्र तल या समुद्र का पानी एक समान रहता है। MSL का इस्तेमाल सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादातर किया जाता है किसी बिल्डिंग या जगह की ऊंचाई नापने के लिए। क्या ये यात्रियों को बताने के लिए होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी रेलवे ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर के लिए होती है। उदाहरण से समझते हैं। अगर ट्रेन 200 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से 250 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पर जा रही है, तो ड्राइवर आसानी से यह निर्णय ले सकता है कि इस 50 मीटर की अधिक चढ़ाई को चढ़ने के लिए उसे इंजन को कितने टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, यानी इंजन को कितनी पावर देनी पड़ेगी। इससे ड्राइवर अंदाजा लगा सकता है। इसी प्रकार से अगर ये ट्रेन नीचे की ओर जाएगी तो नीचे आते वक्त ड्राइवर को कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, ये ड्राइवर को कितनी स्पीड बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी, ये सब जानने के लिए समुद्र तल की ऊंचाई लिखी जाती है। इसके अलावा इसकी मदद से ट्रेन के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक समान ऊंचाई देने में भी मदद मिलती है, ताकि बिजली के तार ट्रेन के तारों से हर समय टच होते रहें, अर्थात बिजली के तारों से कनेक्शन बनाए रखने में मदद मिलती है।